हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैदराबादी तड़का। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले का सालन। हैदराबाद का ये भी फेमस डिश है। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको, नोट डाउन कीजिए। तिल आधा कप, फली आधा कप, कोपरा एक कप, तेल चाहिए एक कप चाहिए तेल, हल्दी चाहिए 2 टेबलस्पून, रेड चिल्ली पाउडर चाहिए 3 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 3 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 2 टेबलस्पून, बगार के लिए चाहिए हमें ज़ीरा 1 टेबलस्पून, राई दाना 1 टेबलस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, हरा धनिया चाहिए कोथमीर, और करी पत्ता चाहिए अदरक लहसुन का 3 टेबलस्पून चाहिए, और इमली चाहिए 1 कप चाहिए इमली। करेला आप काट के नमक के पानी में डालें और इसको आप 1 टीस्पून के पीछे के हिस्से से आप इसको खोलिए। खोल के इसको साफ करके, इसके बीज वगैरह रहते हैं, बिटर टेस्ट है, बहुत बिटर ही रहती है ना, कड़वापन, इसको आप ऐसे साफ कीजिएगा। करके आप बॉइलिंग वाटर में डालिए। बॉइलिंग वाटर में आप पानी में थोड़ा सा हल्दी डालिए। आप 1 लीटर पानी में, पानी बॉयल करने रखिए, हल्दी नमक डाल के। ये बॉयल हो चुका है हमारा पानी, इसमें करेला आप क्लीन कर, कट करके क्लीन करके रखे ना, ये करेला आप छोड़ दीजिएगा इसमें। चलिए हम फली भून लें। सारे मसालों को आप फली कोपरा सबको रोस्ट करके निकाल लीजिएगा। फाइन पेस्ट पीस लेना है इसको। चलिए अभी करेला हम बनाएंगे इंशाल्लाह। 1 कप तेल डाल दी मैं। तेल गर्म होने के बाद में करेला डाल दूँगी। करेला हमने 10 मिनट के लिए बॉइलिंग वाटर में थोड़ा सा नमक हल्दी डाल के बॉयल किए, क्योंकि वो बिटर टेस्ट रहता है, वो बिटरीनेस निकालने के लिए हम इसको बॉयल करके निकालने हैं। और तेल गर्म होने के बाद हम ये करेला डाल देंगे। चलिए तेल गर्म हो चुका है। अभी हम जीरा ऐड करेंगे। राई ऐड करेंगे। मसाला डाल देंगे। मसालों को हम अच्छी तरह भून लेंगे। इसमें
थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, एक कप जितने पानी ऐड कर रही हूँ। ये मसालों की सुबह हमारे तक भून लीजिएगा। ये हमारे मसाले भून चुके हैं, तेल भी सेपरेट हो चुका है। अभी मैं इमली का पानी ऐड कर रही हूँ, एक कप। आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना आपको खटास चाहिए आप डाल सकते हैं इमली। और साथ ही साथ करी पत्ता भी ऐड करेंगे। इसको हम अभी एक 20 मिनट तक पकाएंगे धीमी आंच पे। अभी हम हरी मिर्च ऐड करेंगे, हरा धनिया डालेंगे, हमारे मसाले बन चुके हैं। अभी हम करेले छोड़ते हैं इंशाल्लाह। अभी आप इसका एक धीमी आंच पे 10 टू 15 मिनट्स पकाएंगे। तेल सेपरेट हो चुका है, सालन बन चुकी है, रेडी टू डिश आउट। डिश आउट कर रहे हैं, इस वक्त बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मुझे। इसको आप वाइट राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नान के साथ, चपाती, पराठा और बगैर चावल इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। और ऐसे सालनों के लिए तेल ज़्यादा ही रहना चाहिए, क्योंकि ये तेल नहीं है तो ये ख़राब हो जाएगी, दो तीन दिन में इसको फंगस आ जाएगी। ये अभी इस वक्त आप इसको अचार के तरीके से तौर पे आप खा सकते हैं। ये करेले में मेडिसिनल वैल्यूज बहुत है। डायबिटीज पेशेंट जो है मॉर्निंग नहर पे एंटी स्टमक 30 ml अगर इसका जूस पिए तो उसके शुगर डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती, और ये रंग गोरा करने के लिए भी बहुत अच्छा नुस्खा है। मैं आपको टिप दे रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी मेरी ये डिश, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बनाइएगा और हम अपने फैमिली पर्सन्स के साथ शेयर कीजिएगा। और देखिए, आप कुकिंग करते ना तो बहुत सब्र के साथ करिए और प्यार के साथ करिए। सब्र और प्यार बहुत ज़रूरी है, और कुकिंग इज़ एन आर्ट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी, और आप मेरे ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन एक्टिवेट करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।